हर हर महादेव। कोई सज्जन जो है टेलीग्राम पर प्रश्न कर रहे हैं, उनका प्रश्न है कि माताएं जो मंगल सूत्र धारण करती हैं, इसका कोई शास्त्रीय विधान है, कहीं शास्त्र में प्रमाण है, अथवा माताओं के सौभाग्यवती स्त्रियों के जो है 16 श्रृंगार कहे जाते हैं, वे कौन कौन से हैं, क्या उनको धारण करना आवश्यक है, क्या श्रृंगार 16 श्रृंगार आदि को स्त्री जो यानी विधवा स्त्री कन्याएं भी धारण कर सकती हैं क्या, ये देखिए इस पर आप विचार करें। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं उनके लिए 16 श्रृंगारों का प्रावधान है। वे 16 श्रृंगार कौन कौन से हैं पहले इस पर जो है चर्चा करिएगा। देखिए अथ 16 श्रृंगारा। आदौ मज्जन चीर चारु तिलकम नेत्रांजनम कुंडलम नासा मौक्तिक हार केश कुसुमम सिंदूर वस्त्रम परम देहे चंदन लेप कंचुक मणि क्षुद्रावली घंटिका तांबूलम करकंकणम चतुरता श्रृंगार का षोडश। देखिए सबसे पहला श्रृंगार है अच्छी तरीके से नाना। आदौ मज्जन विधिवत स्नान चीर, चीर का मतलब है वस्त्र, तो अंतर्वस्त्र और बाह्य वस्त्र। आदौ मज्जन चीर और चार तिलकम सुंदर तिलक है ना, और नेत्रांजनम माने कज्जल, नेत्रों में काजल लगाना, और कुंडलम यानी वलय कुंडल, हाथों में चूड़ी और कुंडल धारण करना, नासा मौक्तिक और नासाग्र में मोती पहनना माने नासिका में जो है कोई मोती या फूल इत्यादि जो पहनती हैं माताएं वो स्वर्णाभरण, और हार को पहनना। तो ये हार में ही कई प्रकार के हार होते हैं, बहुत प्रकार के हार हैं, तो निष्क्रिय है ना, और भी कई तरीके, आज भी नाम अलग अलग हैं, पहले अलग थे, ग्रीवेयक जिनको कहा जाता है ग्रीवा में धारण करने वाले, ग्रीवेयकम हारम, तो वो कई तरीके के हैं, तो उसी को आज एक नाम दिया है मंगल सूत्र, यानी ये सौभाग्य जो चिन्ह है ये जो है मांगलिक है, तो वो नाम दे दिया है कि मंगल सूत्र, वो उसमें स्वर्ण इत्यादि के कुछ दाने रहते हैं और एक विभिन्न प्रकार का बना होता है, ठीक है, मुख्य रूप से शास्त्र में उसको हार ही कहा जाएगा और जिसका पहनने का सौभाग्यवती को विधान है। हार और केश कुसुमम यानी केशों का श्रृंगार, बेणी इत्यादि गूथना, कुसुम यानी फूलों से केशों में फूल इत्यादि लगाना, बेणी गूथना, ये सब केश श्रृंगार होगा, केश कुसुमम। और सिंदूर, और सिंदूर मांग में सिंदूर भरना, ये मुख्य जो है श्रृंगार है 16 श्रृंगार में। और कह रहे हैं वस्त्रम पर और वस्त्र, तो ये वस्त्र अंतर वस्त्र, एक जगह जो अभी चीर आया था उसका मतलब था चीर पूरे धोती पूरी साड़ी साटिका चीर, और ये वस्त्र माने अंतर वस्त्र कंचुकी इत्यादि, जिसको ब्लाउज इत्यादि कहते हैं वो सब कंचुकी का कहते हैं जिसको संस्कृत में।
और देहे चंदन लेप और शरीर में चंदन लेप इत्यादि लगाना, जैसे कि आजकल जो है चंदन लेप इत्यादि लगाते हैं, क्रीम पाउडर इत्यादि लगाते हैं, ये है ना। और कंचुक, कंचुक को अलग से लिया गया है, तो अंतरीय वस्त्र और कंचुक, कंचुक धारण करना। और मणि, मणि विभिन्न प्रकार की, कोई मणियों की मालाएं हाथ में, गले में, जहां भी हैं, मणि मणि इत्यादि को धारण करना। मणि छुद्रावली घंटिका, और छुद्रावली घंटिका जिसका नाम दिया गया है, छोटी छोटी जिसमें घुंघरू लगी हैं, घंटिकाएं लगी हैं, ऐसी जो है करधनी, जो कमर पर बांधी जाती है करधनी, तो वो भी 16 श्रृंगार में है। और कह रहे हैं तांबूलम, तांबूल माने सौभाग्यवती स्त्री को पान भी 16 श्रृंगार में है, पान खाना। और कर कंकणम, हाथ में जो कंकण धारण करना, कंकण लगाना, कंकण पहनना, चूड़ी इत्यादि कंकण है ना। और कानों में कुंडल, जैसे वहां जो आया था कुंडल पहनना, कुंडलम, कानों में कुंडल पहनना, ये सब श्रृंगार हैं। ये सब श्रृंगार बाहर के श्रृंगार हैं, और एक श्रृंगार है भीतर का, वो है चतुरता, चतुरता, चतुरता श्रृंगार का षोडश, ये 16 श्रृंगार कहे गए हैं। तो ये चतुरता जो है इसके अंतर्गत ही जो है पतिव्रता, तुलसी सोई चतुरता, रामचरण लवनी लवलीन है ना। चतुरता तो वही है, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना, अपने पति के चरणों में प्रेम हो जाना, अपने कर्तव्य का पालन करना, तो ये सब चतुरता भी 16वां श्रृंगार है। तो ये इन श्रृंगारों से सौभाग्यवती महिला को कभी भी जो है विरत नहीं रहना चाहिए, अलग नहीं रहना चाहिए, श्रृंगारों से युक्त ही रहना चाहिए। अब कुछ श्रृंगार ऐसे हैं जिनको कभी भी महिला को त्यागना नहीं चाहिए। अब क्या है, देश विशेष में अलग अलग है, कहीं तो किसी ने सिंदूर को मुख्य मान लिया कि भाई और तो चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, सिंदूर लगा लो तो बस हो गया काम। किसी ने चूड़ियों को मुख्य मान लिया, किसी ने पाजेब को मुख्य मान लिया, इस तरीके से भी देश विशेष में चलते हैं कि हमारे यहाँ ये तो होना ही चाहिए, इसके अलावा और हो जाए या ना हो कोई बात नहीं। आजकल जैसे टीवी में मंगलसूत्र भाई जरूर होना चाहिए, और कुछ हो या ना हो, तो ये बात है। इस तरीके से ये सब उसी के अंतर्गत ही हैं, ये सब ही प्रधान हैं। मुख्य रूप से ये बतलाया गया है, देखिए निर्णय सिंधु में हेमाद्री जी का व्रत कांड का जो है वचन है, वे लिखते हैं कि गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है कि गंधालंकार तांबूल पुष्पमालानुलेपनम उपवासेन दुष्यंती दंत धावन मज्जनम। हाँ, तो गंधा, गंध माने चंदन इत्यादि लगाना, अनुलेप लगाना, अलंकार धारण करना, और तांबूल खाना, उपवा और पुष्पमाला इत्यादि को पहनना है ना, ये और दंत धावन करना, दंत धावन मज्जन या मंजनम, दंत धावन मंजनम यानी अंजन, आंखों में अंजन लगाना। सामान्य रूप से उपवास में ये पुरुष के लिए त्याज्य है कि माला लगाना और सजना संभलना बना के उपवास में ये वर्जित है, लेकिन सौभाग्यवती महिलाओं के लिए
जो कि वे समस्त उपवास व्रत इत्यादि अपनी पति के प्रसन्नता या उसकी उनकी आयु वर्धन के लिए रहती हैं। इसलिए सौभाग्यवती महिला के लिए ये सब जो है ग्राह्य हैं, तांबूल इत्यादि भी, पान भी, है ना। तो जो जो व्रत महिलाएं अपने पति के लिए व्रतों को रहती हैं, उन व्रतों में वे तांबूल इत्यादि का भक्षण कर सकती हैं। लेकिन एकादशी इत्यादि ऐसे कोई व्रत हैं जिनमें तांबूल भक्षण इत्यादि नहीं करना चाहिए, या स्पष्ट निषिद्ध है। अंजनम च सुतांबूलम कुसुमम रक्तवाससी धारये सोपवासापि अवैधभ्य कर्म यतः, जो कि अवैधभ्य कर है, इनको धारण करने से, नित्य धारण करने से महिलाओं को वैधभ्य नहीं होता है। अंजनम माने कज्जल लगाना, सुतांबूलम श्रेष्ठ तांबूल का भक्षण, तांबूल का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ ये जो है तम्बाकू इत्यादि खाना, ये नहीं है। जो तांबूल जो है जो देवताओं पर चढ़ाया जाता है, जो तांबूल मादक तत्व रहित, वो तांबूल, और कुसुमम फूलों की माला, और रक्तवाससी जो रंगे हुए वस्त्र इत्यादि पहनना। धारये सोपवासापि, उपवास करती हुई महिला भी इनको धारण कर सकती है, क्योंकि अवैधभ्य कर्म यतः, क्योंकि इनसे अवैधभ्य होता है, वैधभ्य नहीं होता है। तो ये उपवास इत्यादि का बतलाया गया। देखिए ये सदा धारण करना चाहिए, इनको त्यागना नहीं है। भगवती जानकी जी ने, भगवान श्री राघवेंद्र ने कोटिन बाजमेद प्रभु की ने अनेनो अनेकों बाजपेय यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए, बाजमेध माने अश्वमेध। तो उन अश्वमेध यज्ञ, वो विश्वजित यज्ञ किया जिसमें सब कुछ कोष लुटा दिया, सब कुछ कोष दान कर दिया, लेकिन क्या रह गया भगवती जानकी के पास? सौभाग्य चिन्ह, जिनको भी दान नहीं कर सकती थी। श्रीमद् भागवत में नवम स्कंद में एकादश में अध्याय में और ये लिखा हुआ चौथे श्लोक में कि तथा राज्ञप्य वैदेही सौमंगल्यावशेषिता इत्ययम् तदलंकार वासोभ्यासम अवशेषिता तथा राज्ञप्य वैदेही सौमंगल्यावशेषिता। भगवती जानकी जी ने अपने अलंकार आभूषण इत्यादि जो भी थे सब दान कर दिए, जो सौभाग्य के चिन्ह थे जिन्हें वे धारण करती थी बस वे ही रह गए। तो विश्वजित यज्ञ में सब कुछ दान कर दिया जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता है। जिसमें आता वर्णन ना रघुवंशम में कि वो जो है वर्तन्तु शिष्य कौत्स, जब उनसे मांगने के लिए गए हैं तो विश्वजित यज्ञ किया है रघु ने, सब कुछ लुटा दिया है, अर्घ पात्र इत्यादि जो है पाद्य इत्यादि देने के लिए जो पात्र लाए उस है ना कौत्स का, जो कि समावर्तन संस्कार करके आया था, स्नातक था, उसका अर्चन करना था, अर्च्य था, तो उसका अर्चन करने के लिए मिट्टी के पात्र इत्यादि लेकर के आए। तो वो जो है निराश होने लग गया कि ये क्या दान दे पाएंगे, पर उन्होंने कहा नहीं, क्षत्रियों का कोष ही जो है सब कुछ नहीं होता, उनकी वीरता ही कोष होती है, हम जो करके जो है कुबेर पर चढ़ाई करेंगे कल और ला करके तुमको देंगे। यह क्षत्रिय को अधिकार है कि युद्ध में जीता गया जो भी धन होता है उस पर विजेता का अधिकार होता है, तो हम ला करके तुम्हें देंगे, निराश नहीं होने देंगे। तो उन्होंने ला करके दिया और उसको जो है संतुष्ट किया, यद्यपि वो उतना ही ले गया जितना जो है, और ये कह रहे हैं कि नहीं वो सब ले जाओ, ये तो कथा आपने सुनी होगी, रघुवंश में प्रसिद्ध है। तो कहने का मतलब यह है कि विश्वजित यज्ञ में सब कुछ दान कर दिया जाता है, लेकिन सब कुछ दान करने के बाद भी वहाँ जो सौमंगल के जो चिन्ह हैं, जो सौभाग्यवतियों के जो चिन्ह हैं, उनको भगवती जानकी जी ने रख लिया, लेकिन जो है उनको कभी भी हटाना नहीं चाहिए, और विधवा स्त्रियों को इनको धारण नहीं करना चाहिए, कन्याओं को भी धारण नहीं करना चाहिए, है ना। विधवा और कन्याओं के लिए मना है, मुख्य रूप से विधवाओं को ये धारण नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा ना कि कलयुग में उल्टा होने लगेगा, सौभाग्यवती विभूषण हीना
और विधवन के श्रृंगार नगरीना। तो ये सब देखने को मिल ही रहा है, जो है सौभाग्यवतियाँ जो है श्रृंगार नहीं करती हैं। जब लिखा हुआ है प्रोत्सित वर्तिका हो, जब पति उसका घर पे नहीं हो, महिलाएं जो श्रृंगार करती हैं वो श्रृंगार पति के लिए ही करते हैं, और पति घर पे नहीं है, वो विदेश गया हुआ है, बाहर गया हुआ है, तो फिर संभलने की जरूरत नहीं है, श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिन्हें वो हमेशा धारण करती हैं, कंकण आदि, कंठाभरण आदि, उनको धारण करके रहें, लेकिन अलग से अनुलेप लगाना, श्रृंगार करना, सजना, मतलब वो नहीं करना चाहिए। जब पति घर पे हो तब ही श्रृंगार करना चाहिए, और सामान्य रूप से घर से बाहर जाते समय विशेष श्रृंगार नहीं करना चाहिए। तो माताएं बहनें घर में आप जाकर के देखिए तो इसी रूप में रहती हैं, बड़े ही वो सौभाग्यवती हों, तो कहीं कहीं तो ऐसी हैं कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो है लड़की है कि लड़का है, इतना जो है, और वो विवाहिता है, आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो है कन्या है कि ये जो है पुत्र है, क्या है, इस रूप में रहते हैं दोनों। और बहुत से जो है ना, तो उनको अब ये इसमें आया ना साटिका, साड़ी धारण करनी है, चीर धारण करना है उनको, सौभाग्यवती स्त्रियों को। आजकल वो सब जो है पैंट पाजामा पहन करके घूम रही हैं सौभाग्यवतियां, तो ये कहाँ रहा चिन्ह, ये सौभाग्यवती का चिन्ह थोड़ा ही। और जब घर से बाहर जाती हैं तब तो उनके श्रृंगार देखिए, घूमने बाजार में जाएं या कहीं मेला में जाएं तब देखिए श्रृंगार, और घर में सब ऐसे ही रहती हैं, तो ये उल्टा है, ऐसा नहीं है। अपने घर में अपने पति के पास जाते समय आप श्रृंगार करके रहिए, और बाहर जाते समय वैसे ही रहिए सामान्य। तो इससे जो आजकल ये जो दुर्घटनाएं हो रही उससे भी बचेंगे, आकर्षण जो होता है वो लोगों को इसके प्रति प्रेरित करता है, ये आप समझती होंगी। तो महिलाओं को, सौभाग्यवतियों को सदा जो है कुछ चिन्ह धारण करना है, विशेष श्रृंगार पति के पास जाते समय करना है, कन्याओं को श्रृंगार से बचना है, और महिलाओं को, विधवा स्त्रियों को श्रृंगार नहीं करना है। ये जो है शास्त्रीय पक्ष है, शास्त्र में जो जो हमारे यहाँ महिलाओं के लिए श्रृंगार के विधान बतलाए गए वो हमने देख करके आपको बतलाए हैं। और इस तरीके से मैं जो माताओं से अपेक्षा रखता हूँ कि इस नियम का भी अवश्य पालन करेंगी। हर हर महादेव।